wails of the residents. Scared at the anticipation of what is going to happen next. This is Shimla's Krishnanagar locality. And this is not just one of case. 8 houses, including 6 makeshift dwellings, collapsed like a pack of cards on Tuesday. We have brought all hands, as you can see, ITBP is here, SDRF is there, district police, all our teams are there. And as you can still see the structure, the rubble is falling. There's a lot of rubble here because the builder strata, which fell from top, fell on the buildings of the municipal corporation slaughterhouse area, which is completely collapsed. But what we were informed by people who, because the area had already developed cracks, so a lot of people had moved out. Around 40-50 people had been evacuated. But still we suspect some people, around 5-6-10 people, to be there. That's what we were told by the people who had moved out. So now we have to go into the rubble and check. That's why we have brought sniffer dogs. Even the army team is in standby at the Shiv Bawdi, where they're still digging today. So first we are doing it here. So all assistance, all ambulances, everything is here. And we are trying. The only thing is the operation will continue in the night, which will be a bit challenging. And I hope the weather stays clear so that we are able to operate. The latest incident follows a series of tragic events in the region. Just a day prior, 2 separate landslides claimed the lives of 16 individuals, with one occurring at a Shiv temple in Summerhill and another at Phagli. तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है. और आज इस लैंडस्लाइड्स में, जबकि हमने घर खाली करवा दिए थे, हम गलती कर जाते हैं. मुझे लगता है कि 2 की मृत्यु यह निश्चित है. 1 का शव मिल चुका है, 1 का टांग हमें नजर आ रही है, उस शव को निकाल रहे हैं. और तकरीबन पिछले कल 51 मौतें हुई थी, आज 9 मौतों की पुष्टि और हुई है. तो पूरे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के जो क्षेत्र है, इंदौरा, फतेहपुर, वहाँ रात को पोंग डैम से पानी छोड़ा गया है, वहाँ भी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है. जयसिंहपुर कांगड़े का एरिया, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है. सभी क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है. अभी हमने मीटिंग करके उसका पूरा जायजा लिया है और उस दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करने के लिए, हाँ, मैं आज ही हमने शाम को फैसला किया कि 1 दिन के लिए सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है. क्योंकि जब धूप लगती है उस समय और लैंडस्लाइड का स्कोप बनता है, क्योंकि मिट्टी धूप से सूखती है, भारी होती है. ये पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं. तो 1 दिन सड़कें अवरुद्ध है, रास्ते खुले नहीं है, तो 1 दिन और शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे. शिमला में सर, समाधिल एरिया में क्या टेंपल में क्या स्थिति है? देखिए, अभी वहाँ डेड बॉडी निकलने का सिलसिला जारी है और समय बीतते बीतते हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी है. अब सिर्फ शवों को निकालने का कार्य है, उस कार्य को हम अंतिम रूप दे रहे हैं. जो अनसेफ हाउसेस हैं उनको सरकार, उनके सभी लोगों को हमने निकाल दिया है. यहाँ भी अनसेफ हाउस थे, 5 घर थे, इनको हमने निकाल दिया था. कोई 30-35 के करीब परिवार के लोग थे, हमने निकाल दिया था. लेकिन ये स्लाटर हाउस था, इसमें जो उनका मैनेजर था वो अपने पैसे लेने के लिए वापस गया और अपनी जान गवा दी. तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जहाँ भी थोड़ी मकान में दरार नजर आ रही है, वहाँ वो अपना घर खाली कर दे. प्रशासन की तरफ से उन्हें पूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, खाने पीने और रहने का सामान उपलब्ध करवाया जाएगा. और जब घर डैमेज होगा तो घर बनाने के लिए भी पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे. अभी इस बारिश में, हमारी काफ़ी लगातार बारिश में हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है. तो मेरा ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोगों से अनुरोध भी है कि इस स्थिति से निपटने के लिए हम सब लोगों को एकजुटता के साथ कार्य करना. आखिर में सर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, हाई लेवल मीटिंग भी आज आपने कंडक्ट करी है, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स भी क्या बदलने की जरूरत है? देखिए, सब नॉर्म्स को बदलने की जरूरत है. स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसे होगी? क्या कोई बिल्डिंग 4 मंजिल का भार उठाने के काबिल है? क्या हमने उसका प्लिंथ एरिया को मजबूत किया है? क्या सड़कों की ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज को बनाया है, साइड ड्रेनेज को बनाया है? इस सब दृष्टि से आज बैठक में चर्चा हुई है और सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि अगली जो सड़कें बनेंगी, क्योंकि उसमें क्रॉस ड्रेनेज बंद कर दिया गया है, साइड ड्रेनेज बंद कर दिया गया है, घरों में पानी निकाल के फेंक दिया जाता है दूसरे के घर में, और पहाड़ तो अपना पानी रास्ता निकालता है, तो सब चीजों पर विस्तृत आज चर्चा हुई. सामान्य होने में कितना समय? देखिए, रिस्टोरेशन के लिए तो काफी समय लगेगा, काफी नुकसान हुआ है. और पर जैसे ही बारिशें खत्म होगी
हम युद्ध स्तर पर रिस्टोरेशन कार्य को करेंगे और सड़कों को हम मेन हाईवे को हमने निकाल लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट लो हैंगिंग क्लाउड्स आर बीइंग विटनेस विद रेनफॉल। रिवर ब्यास टू हैज बीन इन इट्स पेट इन मंडी। Himachal Pradesh has been grappling with incessant heavy rains since Sunday, resulting in several landslides, cloudbursts, and instances of house collapsing. This surge in rainfall has inflicted widespread damage across the state, leaving a trail of destruction in its wake. Indian Army columns have been employed for flood relief operations in Shimla, Fatehpur, Indora and Kangra districts of Himachal Pradesh to carry out relief and rescue operations. Following a break due to heavy rainfall, the NDRF, Army, Police and SDRF have resumed their joint rescue efforts at Summer Hill. An official directive from the Education Department has announced the closure of all schools and colleges in the state due to adverse weather conditions. Rescue operations had been temporarily halted during the previous night due to the intense rainfall. The Met Department has issued a yellow alert for the subsequent 4 days until August 19 in the affected areas in Himachal Pradesh. Subscribe to One India channel and never miss an update.